हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखिए आज बना रहे हैं मुझे मिनी बन, क्योंकि बच्चों की छुट्टी चल रही है तो उन्हें कुछ ना कुछ नाश्ते में चाहिए होता है, और दुकान से लाते हैं तो बड़े गर्म गर्म रहते हैं, पता नहीं कब कब के रखे बेकार हो जाते हैं। इन दिनों में लाने नहीं चाहिए ब्रेड या कोई भी बन वगैरह, तो इसलिए मैंने सोचा कि घर पर ही बनाया जाए। अब देखिए, बन बनाने के लिए मैंने ये 250 ग्राम मैदा ली है और 2 चम्मच इसमें मिल्क पाउडर डाला है, क्योंकि मिल्क पाउडर के बिना ये बन नहीं बनते, टेस्ट नहीं आता इनमें बिल्कुल भी, सिर्फ मैदा ही मैदा रहेगी अगर हम मिल्क पाउडर नहीं डालेंगे तो। अब ये 2 चुटकी मैंने सोडा डाला है खाने का, और आधी चम्मच मैंने बेकिंग सोडा डाला है, और 1.5 चम्मच मैंने डाली है चीनी पीस के। हम वैसी चीनी नहीं डालेंगे बिना पीसी, और ये 1 टेबल स्पून मैंने डाला है रिफाइंड। इसको मिक्स कर लेना है पहले स्पून से ही। देखिए स्पून से काम नहीं चला तो फिर हाथ से मिक्स करना होता है, क्योंकि सब में हो जाना चाहिए। अभी 1 कप पानी लिया है मैंने, और धीरे धीरे इसको डालकर हमें इसको मिलाना है। अगर एक बार डाल देंगे तो इधर उधर हो फिरेगा, तो धीरे धीरे डालते डालते और हमें मिलाना है इसको। देखिए पहले स्पून से कर लेते हैं, और स्पून से अगर नहीं होगा क्योंकि चिपकता ज़्यादा है हाथ से, तो पहले स्पून से ही कर लेना चाहिए और बाद में हाथ का यूज़ करना चाहिए इसमें। अब देखिए थोड़ा स्पून से कर लिया है, अब हाथ से काम करते हैं इस पर, क्योंकि हाथ के बिना तो काम ही नहीं चलता है। मैंने सारा पानी डाल दिया है इसमें, और ये जो एकदम पतला डो बना के रेडी करना है हमें, रोटी जैसा नहीं बनाना है, बिल्कुल पतला होना चाहिए। देखिए इस तरह से, ये हाथ से काफ़ी चिपकता है, तो हाथ पे थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा के और तब इसको हमें चलाना चाहिए, नहीं तो हाथ भी चिपक सक के रह जाता है सारा। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट डो बन के रेडी हो गया है, तो हम इसको 2 घंटे के लिए हम कवर करके और रख देना है। देखिए मुझे कम से कम 2-2.5 घंटे हो गए हैं रखे हुए, कुछ ऐसा हो गया है इस ये, लेकिन अभी रेडी नहीं हुआ है, अभी इस पे काम करना है। देखिए जो बाउल है इसमें तो काम चलेगा नहीं, तो सीधे इसको फर्श पर, सॉरी स्लेब पर रखते हैं और पटक पटक के मारते हैं इसको कम से कम 5-6 मिनट, क्योंकि जो ऐसा करने से बिल्कुल सॉफ्ट डो हो जाएगा और जो हमारे बन हैं वो फूले फूले बनेंगे बिल्कुल फ्लेपी से, ये ठोस नहीं होंगे अगर हम इस तरह से पटक पटक के वो करते हैं रेडी इसको। अब देखिए ये तो रेडी हो गया है, लेकिन जो अप्पे पैन है इसमें बनाने हैं मुझे, और इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है। हल्का ही ऑयल से काम चल जाता है, क्योंकि नॉन स्टिक होता है तो इसमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं होती ब्रश से। अब हमने जो पैन है ये रेडी कर लिया है, लेकिन जो हमारा डो था इसमें मैंने ये टूटी फ्रूटी भी मिला दी है, ये घर की बनी हुई टूटी फ्रूटी है मेरी। और जो देखिए मिक्स तो हो गई है ये, लेकिन इसमें इनो डालना है। अब मैंने जो पैन में ऑयल लगाया इसलिए लगाया कि पहले ही जिस चीज़ में बनाना होता है वो रेडी करके रख लेना चाहिए, क्योंकि इनो अगर डालते हैं तो बिल्कुल इंस्टेंट डालते हैं, उसमें देर नहीं लगनी चाहिए। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जब इनो डालेंगे तो हम पूरा परफेक्ट हमारी तैयारी कर लेनी चाहिए, और जब बाद में इनो डालनी चाहिए। अगर पहले ही इनो डाल के 10-5 मिनट हो जा बीत जाते हैं तो इनो डालने कोई फ़ायदा नहीं, कोई असर नहीं होता। अब देखिए 1 मिनट मैंने ये गूँथा है और रेडी हो गया है, इसके छोटे छोटे बॉल बना लेने हैं हाथ पे ऑयल लगा के, क्योंकि हाथ पे बहुत चिपकता है, और इस तरह पैन में रखते जाना है, छोटे छोटे बॉल बनाने हैं, क्योंकि जो इसका सांचा है वो छोटा ही है, और वैसे भी मिनी बन बनाने हैं तो छोटे छोटे बॉल बने हैं क्योंकि फूलने भी हैं। अब देखिए सारे बॉल जो बन के हैं हमारा रेडी हो गए हैं, एक खाली रह गया है क्योंकि थोड़ा ही डो था हमारा, और इसको गैस पे रख देना है बिल्कुल मीडियम फ्लेम करेंगे हम 2 मिनट, और 2 मिनट के बाद हम लो फ्लेम पे इसको कवर करके रख देना है। देखिए स्टीम से ये मतलब स्टीम ही हो जाते हैं इसमें, उसके मतलब पानी वगैरह तो होता ही नहीं है, स्टीम से ही सीखते हैं। इनको पलट देना है। देखिए जो स्टिक आती है ना पैन के साथ, ये बहुत ही काम की है, इसी से सारे काम होता है इसमें, ना हाथ जलते हैं और ना किसी दूसरे स्पून वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, सारे पलट जाने हैं। अब देखिए जो बाहर के बनाते हैं वो एक साइड से सिके हुए होते हैं, लेकिन ये दोनों तरफ से सिक रहे हैं, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं। मैंने एक दो बार पहले भी बनाए हैं, सोचा कि अब कई वीडियो डाल देती हूँ इसकी, क्योंकि छुट्टी पे बच्चे घर पे रहते हैं, छुट्टी में तो बनाने पड़ते हैं माओ को। अब देखिए बनकर रेडी हो गए हैं, अभी गर्म हो रहे हैं। देखिए अगर इनको फोड़ कर देखते हैं बिल्कुल फ्लफी हैं, अंदर से बिल्कुल जालीदार निकल रहे हैं, और टेस्ट तो बहुत ही आता है इनमें। अगर बच्चे का एक बार खा लेते हैं तो बार बार बनाने के लिए बोलते हैं मम्मियों से। तो चलिए बनकर रेडी हो गए हैं, प्लेट में हम सजाते हैं, क्योंकि बच्चों को हमें नाश्ते के लिए देने हैं।
और ये टूटी फ्रूटी भी मैंने रख दी है क्योंकि बच्चे को सजी हुई प्लेट ज़्यादा पसंद आती है। और अभी दूध भी देना है साथ में क्योंकि दूध से बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, मैं भी खाती हूँ इनको। मैंने खा के पहले भी बनाए थे तो खाए हैं, मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं। तो चलिए, अगर ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो आप भी अपने बच्चों को बनाएं और कमेंट में बता सकते हैं कि मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है या नहीं आती है। अगर आप एक कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, हमारा हौसला और बढ़ता है, हम चाहते हैं कि और वीडियो बनाई जाए। जय श्री राम।